ऐसे ही एक महल बना हुआ था बड़ा सा और वहाँ कृष्ण भगवान साक्षात बांसुरी बजा रहे हैं तो ये एकदम हैरान हो गई मैं देख के एक बार इतना मोटा इतना बड़ा सांप नीचे पोल से लेके ऊपर तक आकर सात फन बना के ऐसे मेरे ऊपर आ गया और एक घंटा मैं ध्यान में बैठी थी तो एक घंटा मेरे साथ ही बैठा रहा था। एक बार तो जैसे मैं ध्यान कर रही हूँ तो ध्यान में ना महाकार बाबा जी बुद्ध भगवान और जीसस जी ये तीनों मेरे आसपास डांस कर रहे थे तो उस दिन पांच छह डेड बॉडी और सड़क पे कोई भी नहीं थोड़ा सा डर गई तो मैंने ना उन सबको बुला लिया अकेली पिरामिड में मैं तो सारी डेड बॉडी पूरी स्काई ब्लू कलर के पॉलिथीन में होती थी ना हम सब आत्मा की यात्रा में हैं परंतु इसके प्रति हम तब होशपूर्वक जान पाते हैं जब हम ध्यान करते हैं ध्यान के माध्यम से हमें ये एहसास होता है कि जन्म से लेकर अब तक जो कुछ भी हमारे साथ घटित हुआ वो सब हमारी आत्मा की यात्रा के अनुकूल था दोस्तों आप सबका स्वागत है आत्मा की यात्रा के आज के इस एपिसोड में आज हम मिलेंगे मीनाक्षी जी से जो पिछले 12 सालों से ध्यान कर रहे हैं और अब ध्यान का प्रचार करके इस मानवता का कल्याण कर रहे हैं मीनाक्षी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है थैंक यू थैंक यू रशिम जी मीनाक्षी जी आपका जन्म कहाँ पर हुआ रशिम जी मेरा जन्म महाराष्ट्र में छोटे से गांव में हम नौ भाई बहन हैं हमारा बहुत प्यार है आपस में और शुरू से ही हमारे घर पे पूजा पाठ वाला ही माहौल रहा है हाँ, रामनवमी और जन्माष्टमी और जो भी हमारे रिचुअल्स होते हैं बड़े धूमधाम से हमारे घर मनाए जाते हैं और हम सब बड़े बड़े चाव से उसमें पार्टिसिपेट करते थे और सुंदर था बहुत अच्छा बचपन था जब मैं थोड़ी सी बड़ी हुई तो एक हमारे घर संत आए जब मैं फोर्थ में थी अनिरुद्धाचार्य जी तो उनसे सबने नाम उन्होंने सबको नाम दान दिया मुझे भी दिया तब से मेरी पूजा पाठ की यात्रा थोड़ी ज्यादा शुरू हो गई तब मैं फोर्थ में थी वो दो महीने रहे हमारे घर तो उनसे हमने काफी कुछ सीखा काफी स्तुतियां सीखी श्री रामचंद्र भय प्रगट कृपाला कांतस्ते और सरस्वती वंदना राम रक्षा स्त्रोत्र ये सब अब भी मुझे याद है तो पूजा पाठ में मेरा और विश्वास बढ़ता गया और जब वो दो महीने रहने आए थे तो शाम को हम सैर पे जाते थे उनके साथ इवनिंग वॉक के लिए और फिर खेलते थे वहां रेत में आज अभी भी याद है वो दृश्य बड़ा सुंदर होता था और हमें बहुत अच्छी अच्छी वो रामायण भागवत की बातें सुनाते थे भगवान कृष्ण भगवान रामचंद्र की कहानियां सुनाते थे और बड़ा संस्कारी परिवार था मेरे माता पिता बहुत दिव्य बहुत दिव्य आत्माएं थी मेरे माता जी बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं थे उनको पढ़ना नहीं आता था फिर भी वो अंत तक श्रीमद् भगवत गीता पढ़ते रहे अठारह अध्याय वाली और उनको पूरी रटी हुई थी और हमें उसका एक एक मीनिंग भी हमें समझाते थे मुझे भी गीता से बहुत प्यार है श्रीमद गीता और वो मेरे पास अभी भी है जब मेरे माता जी का शरीर शांत हुआ तो सबने कहा कि सबने क्या लेना है किसी ने साड़ी ली किसी ने शॉल ली मैं उनकी गीता लेके आई और मेरे पिताजी भी ऐसे ही संतों का आगमन मेरे घर पे लगा ही रहता था हमारे घर पे और उनकी सेवा में ही मेरा सारा बचपन गया वो खुद भी उनके चरणों में बैठे रहते थे और हम सब सभी को भी बिठाते थे कभी नौ दिन की कभी दस दिन की कथा चलती रहती थी हमारे घर बस सेवा भाव मुझे अच्छा लगता था सेवा ही करती रहती थी सबकी मेरे को शक्ल से ही पता चल जाता है कि इस समय इसको क्या चाहिए चाहे वो मेरा ब्रदर हो मेरी सिस्टर मेरे पिताजी माता जी मेरी भाभी बस इसके बाद फिर थोड़ी स्कूलिंग शुरू हुई स्कूल में भी मेरे को होता था कि मैंने आगे ही रहना है स्टेज भी संभाल लेती थी वहाँ पे भी डांस में पार्टिसिपेट करना इवन कि फर्स्ट क्लास से लेके प्लस टू तक मैम सबसे पहले मुझे ही खड़ा करते थे क्लास में कि एनुअल फंक्शन में मेरा नाम बीना था मायके वाला अब मेरा मीनाक्षी है तो बीना सबसे सामने आएगी सबसे आगे आएगी खड़ी होएगी बड़ा सुंदर था मेरा बचपन जैसा कि आपने बताया कि आपके घर का वातावरण इतना दिव्य था कि महापुरुषों का आना जाना लगा रहता था और संत महापुरुष आपके घर में आया जाया करते थे तो कोई ऐसी घटना जो उस वक्त आपके बचपन में बीती हो जो आपको भक्ति मार्ग की और पूरी निष्ठा से आगे ले गई हाँ जी जब मैं नाइन्थ में थी ना तो मुरारी बापू जी की कथा हुई गोंदिया में तो मेरे माता जी पिताजी मुझे हमेशा साथ लेकर जाते थे तो वहां पर हमने रूम लिया था वहां खुद खाना बनाते थे और वहां नौ दस दिन की पूरी कथा सुनकर आए थे और वो पूरी राम कथा रामायण में पूरी लिख के लाई थी डायरी में एक एक चीज और उस समय इतनी भावुक हो गई थी मैं सुन के कथा कि मेरे को लगता था कि मैं उनके साथ ही चली जाऊं मुरारी बापू के और वहां से आके फिर मैंने उनकी उनकी मैं रामायण लेकर आई थी अभी भी है मेरे पास वो सारी पढ़ना शुरू कर दी और सुंदर कांड सुबह पांच बजे उठ के नहा के सुंदरकांड नाइन्थ में थी तब मैं तब मेरे पिताजी ने एक बार मुझे रोका इसकी शादी भी करनी है कि नहीं ये पूजा ही पाठ करती रहेगी संत बन जाएगी तो मुझे भगवान में बहुत विश्वास है बहुत ज्यादा और अब ध्यान में आने के बाद तो ऐसे लगता है कि हम मैं हुई नहीं वो ही है तो फिर आगे चलकर कॉलेज लाइफ में आपने पढ़ाई को अपनी भक्ति मार्ग के साथ कैसे संतुलन में लाए जैसे आपके घर वाले कहा करते थे कि ये पाठ पूजा करती रहती है हाँ जी तो, हाँ जी नहीं बस फिर पाठ पूजा फिर साथ ही चलती रही मेरे पिताजी थोड़े बुजुर्ग होने लगे सब बहनों की भाइयों की शादियां हो गई मैं छोटी थी तो उनको लगता था कि ये मैं इसकी कैसे शादी करूंगा वो नागपुर में इतनी दूर पंजाब है नागपुर में रिश्ता मुश्किल लग रही थी उनको और वो उनको शायद पहले से अटैक भी आया था हार्ट अटैक भी हो गया था फिर एक, एक फिर संत आए हमारे घर उन्होंने कुछ पूजा पाठ बताया था तो वो मैंने बहुत किया तो उन्होंने समझाया था कि जैसे माता पार्वती ने भक्ति की थी शंकर जी को पाने के लिए वो तो फिर माता थी हम तो फिर इंसान हैं तो आपको भी भक्ति करनी पड़ेगी तो भक्ति के लिए तो मैं पहले ही होशियार थी तो उन्होंने कुछ पाठ दिया था मुझे तो वो तीन साल मैंने पाठ किया और उसी की वजह से या फिर मेरे भाग्य में होगा बहुत अच्छा मेरे को यहाँ लुधियाना में मेरी शादी हुई बहुत अच्छा घर परिवार मेरा संस्कारी वो भी हरा भरा परिवार है हम सात भाई बहन है तो शादी के बाद आपके जीवन में क्या बदलाव आए शादी के बाद जब मेरी शादी हुई तो दो मेरी सिस्टर इन लॉ की शादी हुई भी थी चार अनमेरिड थी स्कूल जाती थी कॉलेज जाती थी बस साथ ही फिर बच्चे भी हो गए जल्दी से ही दस सालों में जैसे 90 में मेरी शादी हुई दो हजार तक मेरे तीनों बेटे हो गए और वहां भी माहौल बड़ा अच्छा था बड़ा सुंदर सुबह ही सुबह मेरे हमारे माता जी ने स्नान करके पूजा पाठ करना डैडी बहुत अच्छे थे अभी रिसेंटली पिछले साल ही उनका शरीर शांत हुआ है बड़ा प्यार दिया मुझे हमेशा मेरे डैडी ने कहना कि 1600 किलोमीटर की दूरी है मीनाक्षी वहां का कौआ भी नहीं इधर आता आधे रास्ते से ही चला जाता है तो वहां का खाना पीना भी चेंज है अपना ध्यान रखना बड़ा बड़ा प्यार मिला मुझे मेरे ससुराल से इन में जो आपका पूजा पाठ का माहौल बिफोर मैरिज आपके घर पे था तो क्या शादी के बाद आकर भी आपको वैसा माहौल मिला हाँ जी बिल्कुल यहाँ पर भी जब मैं आई तो मुझे पता चला कि पहले वहां पर मेरे मायके में भी मेरे पिताजी ने मूर्ति स्थापना करवाई थी राम दरबार की मंदिर में और यहाँ पर भी शेरावली माता की मूर्ति स्थापना मेरे इन ला ने करवाई थी और वो भी चिंतपूर्णी माता के हर महीने जाते थे हमें भी लेकर जाते थे तो स्पिरिचुअलिटी का माहौल यहाँ पर भी था और सारे बच्चे यहाँ पर भी ऐसे ही सारे रिचुअल्स मनाते थे बड़े धूमधाम से और बड़े प्यार से हमारे माताजी जी इवन की दोपहर को तीन से लेके छ बजे तक कथा पर भी जाते थे अमर कथा सुनने जाते थे कोई उनके गुरु थे उनसे तो अब तक की आपकी आत्मा की यात्रा इस तरह थी कि आप पूरी तरह से भक्ति भाव का रस ले रहे थे हाँ जी तो आपके जीवन में ध्यान कब आया जब मेरे ब्रदर है सबसे बड़े 2000 मेरे ख्याल 2008 2008 में वो सात से वो ध्यान में आए थोड़ा थोड़ा उन्होंने शुरू किया फिर हमें भी बिठाना शुरू किया उन्होंने लेकिन हम इतनी जल्दी बैठे नहीं ध्यान में क्योंकि पूजा पाठ में मन लगता था ऐसे लगता था कि ध्यान में बैठेंगे तो कुछ बोलेंगे मंत्र जाप अपने आप अप चलने लग जाता था वो अंधेरा कर देते थे वो जब गहरे ध्यान में चले जाते थे तो हम उठ के भाग जाते थे तो ऐसे करते करते कुछ दिनों बाद ना यहाँ पर लुधियाना में प्रेमनाथ सर आए वो सर आए तो मेरे भैया का मुझे मैसेज आया कि आप मिलो उनसे जाके तब हमारा ये विवेकानंद पिरामिड भी नहीं बना था रचना मैम से भी मैं वहाँ पर ही मिली थी प्रेमनाथ सर के पास ही प्रिंस हॉस्टल के पास एक रूम लिया हुआ था उन्होंने तो वहां पर मेडिटेशन किया सर के साथ वो बड़ा गहरा ध्यान लगा मेरा पहली बार तो उसमें मुझे पता ही नहीं चला ये 40 मिनट कैसे बीत गए श्वेता मैम भी थे तब रचना मैम भी थे हम सारे तो उसमें मेरे को फर्स्ट एक्सपीरियंस भी हुआ और वो एक्सपीरियंस इतना क्लियर था कि आज तक मुझे याद है ऐसे लग रहा था कि मैं वो उस चीज को जी कर आई हूँ उसमें एक ऐसे ही एक महल बना हुआ था बड़ा सा सोने का जैसे महल था उसके Uh, मैंने भी बहुत सुंदर ड्रेसअप किया हुआ था मेरे पति भी साथ में ही थे उन्होंने भी बड़े उनकी भी वेशभूषा बड़ी सुंदर उन्होंने डाला हुआ था राजे महाराजे जैसे कपड़े और हम महल के अंदर जाते जाते एक दरवाजा हमने पार किया फिर दूसरा किया तो तीसरा करने लगे तो वो हाथ पकड़ के मुझे बाहर ले आए जब बाहर आए तो बाहर मैंने देखा महल के बाहर सरोवर है उसमें कमल भी खिले हुए हैं वाइट और पिंक जी और बहुत सुंदर हरी हरी घास है और वहां कृष्ण भगवान साक्षात बांसुरी बजा रहे हैं जी एकदम तो हैरान हो गई मैं देख के क्योंकि मेरे इष्ट देव कृष्ण भगवान जी हाँ जी तो वो महल के पीछे से ना एक वृद्ध आए बड़े लंबे से गोरे दाढ़ी लंबी वाइट और कुर्ता लंबा सा डाला हुआ उन्होंने वाइट पैजामा आज भी मुझे याद है उनके गोरे गोरे चरण और उनके हाथ में एक डंडा था तो वो चले आ रहे थे उधर से आते-आते ना वो एक ही हो गए दोनों मतलब जितनी बड़ी भगवान भगवान खड़े थे ना उतने ही बड़े वो उतनी हाइट उनकी सेम दोनों की वो एक हो गए मतलब सिर्फ कृष्ण भगवान ही रह गए वहां पर जी बस यहाँ तक मैंने देखा फिर वो खुलवा दी सर ने फिर मैंने सर से पूछा तो उन्होंने कहा कि आप आपने अपना पिछला जन्म देखा है जब हम वहां से निकलने लगे तो मुझे ध्यान भारत बुक दिखी उस पर वही थे जो मुझे ध्यान में दिखे तो फिर सर ने बताया कि यही पत्री सर है ध्यान गुरु तो वो मैं अपने घर ही ले गई ध्यान भारत तब से मेरी बहुत ज्यादा रुचि ध्यान में हो गई उसके बाद फिर मेरे ख्याल साल बाद या छह महीने बाद ही मेरे भैया का फोन आया कि हमने पिरामिड बनाया है बंटारा में गोविंद साई पिरामिड उसका इनोग्रेशन है आओ तो वहां पर मुझे सर मिले जब सर मिले तो वैसे भी कोई भी संत आए या आ, महात्मा जी कोई भी आए तो मैं हमेशा आ गई आगे रहती हूँ कि मुझे ना पीछे की दुनिया नजर ही नहीं आती कि कौन मेरे साथ आया या नहीं आया मैं और मेरे भगवान मैंने शुरू से जहां भी जाकर ज्ञान लिया है या सुना है या भगवान मंदिर में भी इवन जाती हूँ ना मुझे नहीं पता मंदिर में कौन आया मेरे साथ भी कोई आया मैं उसको भी भूल जाती तो वहां पे मैंने एक सर को देखा ध्यान से तो सर ने ना पिरामिड के बाहर ऐसे चप्पल उतार रहे थे तो मैं देख रही थी तो सर को पता वो तो अंतर्यामी। सर ने देखा मेरी तरफ भी देखा अपनी चप्पलों की तरफ भी देखा और डांट डांटा मुझे जोर से खबरदार अगर हाथ लगाया मेरी चप्पलों को मेरे को होता था ना कि इनकी अलग से रख देंगे फिर आएंगे तो फटाफट पहना देंगे बाहर आएंगे तो ये मेरी आदत थी शुरू से तो सर ने फटाफट वो वहां से चप्पल नहीं रखी वहां रखी जहां सबकी पड़ी थी कैसे जैसे तुम सब हो वैसे ही मैं हूं मैं कोई अलग नहीं हूं फिर वो रिबन कटिंग हुई अंदर गए। अंदर गए जाते ही मुझे माइक पकड़ा दिया उन्होंने सर ने 2008 या 9 की बात है ये मुझे तो मैंने सोचा मुझे तो बात भी नहीं करनी आती मैं क्या बोलू मुझे याद नहीं मैंने क्या तब बोला बस उसके बाद फिर मेरे को ध्यान बहुत अच्छा लगने लगा और फिर मैं करने लगी रेगुलर लेकिन ए, मैंने कभी ऐसे नहीं कोशिश की कि मैं अपने बच्चों को सिखाऊं या किसी को सिखाऊं मैं खुद पे ही काम कर रही थी तब मैं खुद ही करती थी जी सुबह उठ के कर लिया या अपना पूजा पाठ का जो नियम है वो करके उसके बाद थोड़ी देर बैठ गए या फिर रात को सोने से पहले बैठ गए ऐसे करती थी फिर जब ये करोना आया 2019 में 20 में तब हमारे घर बहुत बड़ा चैलेंज आया हमारे दो कोठिया हैं मेरे हस्बैंड और मेरे डैडी दोनों को बहुत जबरदस्त फर्स्ट वेव जब आई थी करोना हो गया जिसमें हमारी ही फैक्ट्री में आकर ना हमारे चाचा जी चाचा ससुर सारे आकर शाम को बैठते थे डैडी से मिल डैडी सबसे बड़े भाई हैं, छह भाई हैं ये भी इतना जबरदस्त था वो कि जिस दिन डैडी टेस्ट कराने जा रहे थे ना उस दिन हम वो एक्सपायर हो गए करूना से, तो काफी बड़ा चैलेंज था हमारे लिए दोनों कोठी में दोनों एक इधर वो इधर वो और वो लगा के नहीं जाते थे पहले रेड पिक्चर लगा जाते थे कि इस घर में करोना है यहाँ जाना नहीं ऐसा कुछ चला था ना दोनों कोठियों में लगा के गए थे गवर्नमेंट की तरफ से लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी मैं ऐसे शेरनी जैसे झांसी की रानी जैसे खड़ी थी मैं को सेवा भाव तो पहले ही सबको पीछे कर दिया मेरी डॉटर इन लॉ है दो बड़ी वाली को और उसके बच्चे को मैंने ऊपर नीचे आने ही नहीं दिया काम वालियां तो तब आती नहीं थी बस प्रभु ने हिम्मत दी और उन्होंने ही करवाया ठीक हो गए छह महीने लगे उनको ठीक हो गए दोनों लेकिन उस बीच ना मेरे को इतना ज्यादा उदासी होने लगी क्योंकि तब मैं उससे पहले करोना से पहले ना हम मंदिर जाते थे ध्यान में नहीं आई थी उससे पहले हम पांच बजे जाना आठ बजे आना वापस पूरा मंदिर से जाके अच्छी तरह बड़े प्रेम से बड़ा आनंद भी बहुत आता था लेकिन ये कोरोना की वजह से मंदिर जाना भी बंद हो गया और इधर घर पे भी चैलेंज था इस वजह से मेरे अंदर इतनी उदासी आ गई इतनी उदासी आ गई कि वो मतलब एक ना रोना बहुत आने लगा तो एक दिन मैंने शाम को अपने भैया को फोन किया मेरे सुरेंद्र भैया जो ध्यान में है छत पे जाके फोन किया कि भैया अजीब सी उदासी है ये मेरे को समझ नहीं आ रहा मेरे पास सब कुछ है सारे इतना प्यार करते हैं लोगों के पास जो नहीं है वो भी मेरे पास है बच्चे भी मेरे इतने अच्छे संस्कारी हैं पता नहीं क्यों कौन सा कोना मेरा खाली है जिससे इतनी मुझे उदासी आ रही है तो भैया ने कहा कि तू ना बुद्धा सीरियल देख फिर मैंने वो सीरियल तीन दिन में पैंतालीस एपिसोड फिफ्टी फाइव एपिसोड है शायद वो सारे खत्म कर दिए क्योंकि मुझे नींद नहीं आती थी कोरोना था हस्बैंड को भी और डैडी को भी दोनों की तरफ ध्यान रहता था सोना ही नहीं सारी रात दिन में भी रात को भी बस सेवा करनी और ये देखना सेवा मैंने दो तीन तीन बार देख लिया बुद्धा उसी पीरियड में, तो वो उससे मेरी और मेडिटेशन की तरफ दौड़ बढ़ गई जी तब मुझे एकदम पक्का हो गया कि अब मैंने कहीं नहीं जाना अपने अंदर ही बैठना है यही बैठना है और इसी बीच फिर हमारा जूम सेशन स्टार्ट हो गए जूम स्टार्ट हुआ तो उसमें जेटीटी आया जेटी में दीप्ति मैम मिले और राम राजू सर मिले और इसी बीच फिर वो हमारा करताल वाला प्रोग्राम होता है हैदराबाद में ध्यान महाचक्रम ध्यान महाचक्रम वो आया वहां जाने का प्रोग्राम बना तो ये ठीक हो गए थे दोनों जाने लग गए फैक्ट्री तो मैंने पूछा घर पे तो कहते जाओ फिर मैं मायके गई भैया भाभी के पास नागपुर चली गई वहां से भाभी मुझे बाय रोड ले गए वहां पे मुझे बहुत अच्छा लगा बहुत ज्यादा एकदम नई सी दुनिया लगी सारे अपने से अपने तो वैसे वैसे मुझे शुरू से ही सारे लगते हैं अन्नदान में सर बैठे थे मिले उनसे तो तब मैंने सर से सवाल किया कि सर मेरे से मूर्ति पूजा नहीं सर कहते हैं ना अगर आप मूर्ति पूजा करोगे तो आप दो में रहोगे द्वैत में रहोगे वो और मैं लेकिन है हम एक ही तो कैसे तो सर के हाथ में रुमाल था सर ने ऐसे गिरा दिया कहते ऐसे तो तब मेरा विश्वास पक्का हुआ और एक एक ना शाम को क्वेश्चन आंसर वाला सेशन होता है वहां पर हैदराबाद में उसमें किसी ने सवाल किया कि आप कहते हो मंदिर में भगवान नहीं है भगवान कहाँ है तो सर कहते आप तुम भगवान तुम खुद भगवान पूरण पूर। और जो मैंने आत्मज्ञान लिया था यहाँ से हमारे माता जी से उन्होंने भी यही ज्ञान दिया था लेकिन ये ज्ञान ऐसी चीज है कि इसको बार 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 सुनने से हमें याद रहता है और ये प्रैक्टिस में आता है थोड़ा सा छूट गया तो हम पीछे रह जाते हैं या फिर बुक्स रीड करो फिर उसके बाद हम वापस, वहां पर ही मैं प्रण लेके आई थी कि मैंने अपने घर पे सेंटर खोलना है लेकिन थोड़ी समय की कमी के वजह से मैं नहीं खोल पाई अब तैयार है और इस बीच फिर वहां से आके मेरा ध्यान की स्पीड और बढ़ गई वो करके मेरे पूरी बॉडी में इतनी वाइब्रेशन होती थी तब मेरे ख्याल दस दिन का था वो वो बहुत सुंदर था उससे बड़ी जागृति आई मुझे जैसा कि आपने बताया कि कोरोना काल में आपने ध्यान को बहुत सिंसेरिटी से अपनाया अपने जीवन में तब के कुछ ऐसे अनुभव जो आपको आज भी आपकी आत्मा प्रगति में सहायक हुए बाल कृष्ण सर करवाते हैं एस्ट्रल एंड सर्जरी वो दो ढाई घंटे की होती है जब वो पहली बार की तो मुझे इतनी अच्छी लगी ऐसे लगा कि सारा कुछ रिलीज हो गया अब मेरे में कुछ रहा ही नहीं एकदम रिलैक्स हो गई इधर उधर के विचार और सब कुछ खत्म हो गया एकदम हर समय मन एकदम शांत और रिलैक्स रहने लग गया उसके बाद जूम पे जो भी सेशन आए मैंने कोई नहीं छोड़ा जे जितने आए सारे किए इनर जर्नी में भी किया जब मैं वहां से आई खड़ताल से तो मैंने पहले पहल, पहल डीएनए वाला किया ट्वेल्थ स्टैंडर्ड डीएनए वाला कोर्स वो किया वो बहुत बड़ा अच्छा लगा उससे इतना ज्यादा अच्छा लगा कि एक दिन तो मैं आ, अकेली रूम में डांस ही करने लगी खड़ी होकर और फिर मैंने आशा गुप्ता मैम को फोन भी किया था तब उनका सेशन था उसके बाद ना आशा गुप्ता मैम को भी मैंने पूरन शिव रूप में देखा जी बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था एक एक्सपीरियंस में इतनी सारी बड़ी बड़ी सीढ़ियां थी और बहुत बड़ा हवन हो रहा था और उस हवन में आशा गुप्ता मैम को देखा कि वो शिव रूप में हवन कर रही है और पूरा मोटा हट्टा कट्टा शिव जी इतना बड़ा त्रिशूल डमरू और हवन कर रहे थे वो तो अपने ध्यान के पी एस एस एम के सारे ही मास्टर्स एक से एक है रचना मैम श्वेता मैम आशा गुप्ता मैम दीप्ति मैम राम राजू सर अपने कविता दीक्षित मैम, 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 शंपा रागिनी सभी सभी की को के पिया हुआ है, <laughs> और अब तो बहुत सुंदर जीवन हो गया है अपने आप की मस्ती आ गई तो जैसा कि आपने बताया कि आपके उधर पुराने विवाह के पहले वाले घर में आपके भाई ने हाँ जी। में जाती थी मैं जैसे एक बार मुझे मौका मिला एक महीना जाने का तो मैंने उस पिरामिड में एक महीना पूरा ध्यान किया चालीस दिन उसके बड़े सुंदर सुंदर अनुभव थे एक बार तो मैं बैठी थी चैम्बर में ही जा के बैठती थी मैं हमेशा और अकेली हाँ कोई नहीं होता था दिन में इवन की कभी कभी तो खाना भी मेरे भाभी वहीं भेज देते थे तो उन डेज में एक बार इतना मोटा इतना बड़ा सांप नीचे पोल से लेके ऊपर तक आकर फन बना के ऐसे मेरे ऊपर आ गया और एक घंटा मैं ध्यान में बैठी थी तो एक घंटा मेरे साथ ही बैठा रहा और सबसे बड़ी बात मुझे डर नहीं लगा बिल्कुल भी उससे ये बड़ा मेरा पहला अनुभव था तब का ऐसे ही मैं चालीस दिन कई बार करती रही हूँ यहाँ भी मैंने किए हैं पिरामिड में भी मैं दिन लगातार आई हूँ हर चालीस दिन बाद कुछ ना कुछ चेंज आती थी मेरी लाइफ में तो जब वो शेषनाग रूप लेकर आपके सिर के ऊपर आकर आपको छत्रछाया में दिए तो वो मैसेज आपने क्या लिया तब उस ध्यान से वो मैंने रचना मैम से शेयर किया था वो मैम कहते थे जब हम बहुत ज्यादा ध्यान करते हैं ना तो हमारी कुंडली नहीं जागृत हो जाती है जागृत तो हो जाती है लेकिन इसे संभाले रखना होता है अगर हम ध्यान छोड़ देते हैं और बातों में लग जाते हैं तो ये शांत खत्म भी हो जाती है बंद भी हो जाती है तो ये कोई इतना बड़ा मैटर नहीं है कुंडली जागृत करना या ना जागृत करना ये सब अपने आप जो होना है वो होते रहना है मन की शांति जरूरी होती है खुशी और शांति इससे पता चलता है कि आप कितना ध्यान करते हो ध्यान के क्या लाभ हो रहे हैं आपको सुनाने में तो बहुत अच्छा लगता है कि ध्यान के ये लाभ है ये लाभ है लेकिन जब उसको चखते हैं हम एक्सपीरियंस करते हैं तो उसकी खुशी और उस चकल की रौनक ही कुछ और होती है बड़ा आनंदमय जीवन हो गया ध्यान के बाद जब जर्नी टू बस ट्रू पाथ फर्स्ट टाइम आया ना जूम पे जेटी जिसको बोलते हैं हम तो मैंने फर्स्ट डे तो कर लिया घर पे पांच से छ मेडिटेशन होता था छह से सात बुक रीडिंग या फिर कुछ स्वाध्याय बताते दूसरे दिन फिर हमें हरिद्वार जाना था फिर मैंने कार में किया तीसरे दिन फिर गंगा किनारे पहुंच गए हरिद्वार गए तो सारे कहते कि कार्तिक पूर्णिमा है हम दीप जलाने जा रहे हैं सुबह सुबह एक सौ एक दीप जलाएंगे चलो चले मैंने कहा मैंने नहीं जाना आप जलाने जाइए मैं ध्यान में बैठूंगी तो मैं ध्यान में बैठ गई रूम में और ये इतना सच है ना मुझे एक्सपीरियंस ये वाला हुआ कि वो जैसे ये रूम था ना तो इधर साइड से गंगा थी वो गंगा जी बहती थी इवन की आवाज भी आती थी तो गंगा जी से ना एक छोटा सा शेषनाग निकल के आया मुझे ना शेषनाग से बहुत प्यार है विष्णु जी से तो वो मतलब इतना की होएगा इतना की। जी। तो वो कहता कि मैंने आप तो पीछे दीवार के साथ बैठ गए हो मैंने आपके पीछे छतर करना है जी। मैंने कहा मैं तो बैठ गई हूँ अब नहीं मैं उठने वाली आप करो जो करना कहते कोई ना मैं अपनी पूंछ ऊपर कर लूंगा तो पूंछ ऊपर करके ऐसे छतर कर दिया उन्होंने दूसरे एक इधर से आए उन्होंने कर दिया सेम ऐसे इधर से आए एक सामने से ऐसे ना पिरामिड सा बना दिया उन्होंने और घंटे पूरे मेरे साथ बैठे रहे और सबसे बड़ी बात इतनी पास मेरे ऐसे लग रहा था कि मुझे टच भी हो रहे हैं लेकिन मुझे डर नहीं लगा बिल्कुल भी उनका पानी वाला शरीर था जैसे पानी में से निकल के आए थे गंगा जी में से फिर मैंने सर से शेयर भी किया था के बाद तो तो सर सर आपको पता है हंस देते हैं तो ऐसे मुझे बडे अच्छे अच्छे अनुभव हुए फिर इनर जर्नी भी आया दीप्ति मैम राम राजू सर का राम सर का उसमें भी बड़े एक्सपीरियंस हुए बड़े सुंदर सुंदर एक बार तो जैसे मैं ध्यान कर रही हूँ तो ध्यान में ना महातर बाबा जी बुद्ध भगवान और जीसस जी ये तीनों मेरे आसपास डांस कर रहे थे जब मैं ध्यान में बैठी थी और मुझे पता ही नहीं चला कब ध्यान खत्म हो गया मेडिटेशन क्लास खत्म हो गई और एक बार फिर मेरे सारे चक्रास में ना जैसे मूलाधार स्वादिष्ठान मणिपुरा अनाहत आज्ञा चक्रा और विशुद्धि विशुद्धि चक्र आज्ञा चक्र सहस्रार सारे मुझे एक-एक कमल दिखे अपने इतने छोटे-छोटे पीतल के कमल दिखे ध्यान ए इनर जर्नी में और फिर एक बड़ा सा कमल ना इतना बड़ा पीतल का वो गोल-गोल घूम -गोल रहा था उसकी बड़ी हजार पता नहीं कितनी पंखुड़ियाँ थी छोटी-छोटी छोटी-छोटी एक ये एक्सपीरियंस हुआ और तब पता ही नहीं चलता हम कहाँ चले जाते हैं मेडिटेशन में सब कुछ भूल के इसलिए होता है कि सुबह सुबह उठना है नहा के बैठना है बस तो एक बार मैं नागपुर गई भैया मुझे ले गए वहां पर जहां पर उन्होंने रूम बनाया हुआ था पिरामिड रूम था पिरामिड लगा के वहां मुझे एक बार अनुभव हुआ कि हम जंगल में मैं रहती हूँ एक झोपड़ी में वहां पर एक शेर रहता है मेरे साथ जो शेरा वाली माता की सवारी है तो वो हम और कोई भी नहीं है वहां पर तो वो बाजार गया शेर वहां से दूध का पैकेट लेके आया अपने मुंह में कहते आप अग्नि जलाओ दूध गर्म करो दूध पी लो फिर हम सो जाएंगे फिर अग्नि बुझा देना क्योंकि आग के पास शेर नहीं आता है तो वो मैंने दूध पी लिया उसके बाद वो हम सो गए बस वो इतना सा अनुभव था और मैंने लिखे हुए हैं कॉपी में फिर उसके बाद मैंने मेरे ख्याल पिछले साल ही यहाँ पर इस पिरामिड में विवेकानंद पिरामिड में फोर्टी डेज मेडिटेशन किया सुबह आ जाती थी इसका भी एक इसके भी डेली काफी सारे अनुभव हैं छोटे छोटे लेकिन एक बहुत बड़ा मेरा अनुभव मेरा डर निकला तब करोना था जब दूसरी वेव आई थी कोरोना की तो मैं सुबह सुबह आ जाती थी पांच बजे तो एक दिन जब मैं सुबह पांच बजे आई ना तो मुझे डेली में आती थी ना तो कोई ना कोई होता था बाहर या तो कोई लेडी होती थी कुत्ते को घुमा रही होती थी या कोई पान का ठेला खुला होता था और ये अपना गुड्डू भी जाग रहा होता था या गेट खुला होता था उस दिन अचानक से वैसे डेड बॉडी तो होती थी कोरोना की वजह से बाहर के बाहर लेकिन उस दिन पांच छह डेड बॉडी और सड़क पे कोई भी नहीं थोड़ा सा डर गई मैं क्योंकि मेरे को डेड बॉडी से डर लगता था पहले तो मैंने उसको आवाज लगाई दरवाजा खटकाया मैं क्या काके उठिया नहीं बेटा मैंने आना था देख मुझे डर लग रहा है देख इतनी सारी डेड बॉडी पड़ी है तो उसने मुझे समझाया कि डरने वाली कोई बात नहीं है हमारा भी यही हाल होने वाला है तो मैं क्या, आज तो वो कुत्ते वाली भी नहीं आई <laughs> मैंने डर लगता तो फिर ना <coughs> अंदर चली गई तो फिर मुझे याद आया कि दीप्ति मैम ने बताया था कि जो आत्माएं ऐसे चली जाती है ना आधे दूरे में छोड़ के तो अर्थ बाउंडेड हो जाती है तो उन्हें भी हमने शांति देनी है तो मैंने ना उन सबको बुला लिया अकेली पिरामिड में मैं तब मैं अकेली होती थी सुबह सुबह कोई नहीं तो सारी डेड बॉडी पूरी स्काई ब्लू कलर के पॉलिथिन में होती थी ना सारी आ गई मैंने आंखें बंद की और जैसे दीप्ति मैम ने बताया था वैसे उनको प्रकाश में बदलने के लिए और बड़े प्रेम से वो बैठी और हमने एक घंटा मेडिटेशन किया तो अभी ना आठ दिन पहले जब मैं आई थी आ, मेडिटेशन के लिए तो गुड्डू भैया से मैंने बात की ये वाली उसको उसको अचानक याद आ गई गुड्डू को कि मैम आप डर गए थे उस दिन मैंने कहा उसके बाद मेरा डर निकल गया सारा कहता उसके बाद आप जब निकले ना तो मेरे बाद एक लेडी आई वो भी अकेली थी वो आई वो लाल किताब पढ़ते हैं ना कुछ वो वाली आई तो वो कहती मैंने मेडिटेशन करना है वो जब ऊपर आई मेडिटेशन करने तो वो नीचे आ गई भाग के कहती क्या है ऊपर तो सारी इतनी सारी डेड बॉडीज पड़ी हैं मैं मेडिटेशन करने बैठी थी मेरे को दिखी है वहां पर तो फिर मैंने सोचा कि देखो उनको बुलाया था तो वो आराम से ध्यान कर रही थी वहां और वो फिर और शांत होके चले गई तो मेडिटेशन से हमारे देखो थॉट्स भी इतने पवित्र हो जाते हैं और इतने जल्दी पूरे भी हो जाते हैं जो हम सोचते हैं वो होने लगता है और हमारी सोच से परे भी होने लगता है हमें पता भी नहीं होता कौन से कौन से मास्टर्स हमारे साथ काम कर रहे हैं तो पति सर के साथ आपके अनुभव हो जिन्हें आप साझा करना चाहें हाँ एक मुझे याद आ रहा है जब मेरा सेकंड uh, वाला बेटा नाइन्थ में था तब तब हम रचना मैम ने और श्वेता मैम ने एक स्कूल में अरेंज किया था मेडिटेशन तो वहाँ सर आए स्टेज पे सर बैठे थे सर ने मुझे भी बुलाया और अपने पास बिठा लिया एक घंटे का मेडिटेशन था वो और बड़ी ठंड भी थी तब मैंने स्वेटर भी पहना हुआ था शॉल भी पहन ली हुई थी तो मेडिटेशन में मुझे इतनी गर्मी लगी और मुझे अपनी बॉडी का एक एक पार्ट महसूस हुआ किडनी लिवर और अपनी हार्ट गला मतलब एक एक चीज मुझे महसूस हुई अंदर से जैसे कि मैं अंदर ही चली गई और शिवरिंग भी हुई पूरी बॉडी में ना वाइब्रेशन हुई वाइब्रेशन बहुत ज्यादा हुई तो वो मुझे समझ नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है और अच्छा भी लग रहा था एनर्जी महसूस हो रही थी सर की जब वो अनुभव हुआ ना स्टेज पे सर ने बुलाया था जब खत्म हुआ मेडिटेशन तो मैंने अपने बेटे से मिलवाया सर को में पढ़ता था मोटु -मोटु सा था मोटू मोटू सा मैंने बोला सर ये बहुत खाता है बहुत खाता है सब्जी नहीं खाता तो आपको पता पंजाब में प्रांथे? तो सर ने ना मुक्का मारा था उसके पेट में और लिटरली तब से वो इतना हेल्थ कॉन्शियस हो गया इतना ज्यादा इतनी बॉडी उसने फिट बना ली अपनी कि ऑस्ट्रेलिया जाके मिस्टर ऑस्ट्रेलेशिया का अवार्ड जीता उसने अपनी फिटनेस पे इतना ध्यान उसका अपने आप ही नेचुरली चला गया खाने पीने की अवेयरनेस आ गई उसको मैंने भी बोला था कि सर ध्यान करके ना मेरी तब मैं शुरू ही हुई थी मेरी गर्दन ऐसे नीचे चली जाती इस वजह से यहाँ पेन होती है तो सर ने यहाँ मुक्का मारा था एक बार तो उसके साथ भी काफी कुछ ठीक हो गया था तो जैसा कि आपने ध्यान के अनुभव हम सबके साथ साझे किए तो इसके साथ साथ आप स्वाध्याय भी करते हैं उसके बारे में दर्शकों को बताएं। हाँ जी स्वाध्याय बहुत ज़रूरी है अपनी लाइफ में सिर्फ ध्यान से कुछ नहीं होगा स्वाध्याय से हमें बड़ी नॉलेज मिलती है आगे बढ़ने में बड़ी हेल्प होती है हमारी उसमें तो मेरे को बुक्स बहुत अच्छी लगती है वैसे तो जब हम जूम सेशंस लेते हैं इसमें भी स्वाध्याय बड़ी अच्छी तरह से करवाते हैं उसी से मुझे अक्ल आई कि हमने स्वाध्याय करना है पहले नहीं इतना पता था बुक्स रीड का हमारे भैया पढ़ते थे काफ़ी लोग पढ़ते थे पता भी था थोड़ा बहुत कि पढ़नी चाहिए लेकिन ज़्यादा अवेयरनेस इससे आई है ध्यान में आने के बाद पता चला है कि बुक्स से भी हमारी नॉलेज बहुत बढ़ती है तो काफी बुक्स मैंने पढ़ी भी है और पढ़ के फिर मुझे लगता है कि जो मुझे आता है मुझे सबको बताना है तो मुझे उसमें बड़ा मजा आता है सुन बता और कोई ना मिले तो मैं अपने को ही पकड़ के बैठ जाती हूँ उनको ही सुनाती रहती हूँ तो स्वाध्याय करने के बाद ध्यान के साथ साथ स्वाध्याय को संतुलन में लेके आपके जीवन में क्या बदलाव हैं जो आपको महसूस होते हैं बहुत महसूस होते हैं अगर हम आ, सिर्फ ध्यान करें तो इतना मन नहीं लगता है जब हम स्वाध्याय साथ में करते हैं तो हमें अवेयरनेस आती है समझ आती है हमें काफी कुछ नहीं पता मुझे तो लगता है कुछ भी नहीं पता अभी बहुत कुछ जानने को बाकी है और अंत वेले तक हमने जानते ही रहना है सीखते ही रहना है पढ़ते ही रहना मुझे यही भूख रहती है कि मैंने ये पढ़ना है ये सीखना है पढ़ना है सीखना है और सिखाना है जैसे आ, मेड होती है एक एक मैं आपको बताऊंगी कि रचना मैम के सेशन में मैंने उससे बात भी करवाई थी मैम से मेरे मेड आती थी एक वो बड़ी परेशान थी अपने घर से अपने हस्बैंड से ड्रिंक वगैरह करना मारना उसको मैंने मेडिटेशन सिखाया जब उसने मेडिटेशन सीखा ना तो वो इतना तो उसे नहीं था कि मैंने म्यूजिक लगाना या कुछ वो हनुमान चालीसा या जो भी भजन वगैरह लगा के करती थी तो धीरे धीरे ना उसकी चार लड़कियां और एक बेटा वो वो जो बेटा है ना उसका बेटे को मैंने पीएमसी का अपना चैनल सब्सक्राइब करवा दिया इस बात में मैं बड़ी होशियार हूँ कहीं मैं बग, शाम को मैंने वॉक पे जाना ही जाना है डेली मैं कम से कम दो तीन को तो सब्सक्राइब करवा ही देती अपना पीएमसी तो उसको करवाया तो वो फिर लगाने लग गया पीएमसी के अपने म्यूजिक और जो भी स्वाध्याय है तो उससे ना वो खुद कहती है कि मेरा घर स्वर्ग बन गया उसका थोड़ी डिप्रेशन टेंशन की प्रॉब्लम थी वो सारी दूर हो गई उसकी उसके बच्चे भी करने लग गए तो ऐसे में मेरे घर पे गली के बाहर कोई भी आता है या मुझसे मिलता है तो मैं उसको खड़े खड़े सिखा देती चाहे वो घर जाके करे या ना करे सब्जी वाले से सब्जी लेनी है फ्रूट वाले से लेनी है उसको भी मैं सिखा देती मेडिटेशन कैसे करते हैं अभी रिसेंटली मेरे ख्याल पंद्रह दिन पहले एक हमारा आया वाईफाई लगाने वाले चार बच्चे आए तो उसमें से एक कह रहा था कि मेडिटेशन uh, की पता नहीं कैसे बात चली तो फिर उससे भी मैंने आधा घंटा बात की चारों को सिखाया भी और सब्सक्राइब भी करवा दिया तो बड़े खुश हो जाते हैं इतना सा सुन के ही खुश हो जाते हैं और आजकल तो सभी को प्यास है और सभी करना भी चाहते हैं कई लोग तो करना भी चाहते हैं लेकिन रास्ता नहीं मिल रहा लेकिन ये छोटा सा हमारा एक बटन दबाना क्लिक करना पीएमसी को ये बड़ा ही स्वर्ग तक पहुंचा देता है तो आसपास अपने आप ध्यान तो यू बता ही रहे हैं लोगों को ध्यान के बारे में पीएमसी हिंदी को सब्सक्राइब करा के तो यदि हम बात करें ध्यान प्रचार की अपनी समाज में तो उसे आप कैसे करते हैं मुझे बहुत शौक है ऐसे समाज में जाकर ध्यान करवाने का और करने का मैंने एक बार फोर्टी डेज का बच्चों का भी किया था अपने घर पे बच्चों को बुलाना उनको थोड़ा बुद्धा सीरियल थोड़ा सा दिखाती थी उसके बाद में मेडिटेशन में बिठाना उनको और अखंड जोत जलवाई थी उनको बड़ा शौक होता था कि हमने जोत जलानी है जाके वो जोत जलाते थे आके और मेडिटेशन में बैठ जाते थे वो भी मेरे चालीस दिन बड़े सुंदर थे और बच्चे भी बड़े शौक से आते थे छुट्टियां थी तब बच्चों की तो ऐसे ही रूम तो हमारे बना ही हुआ है जो भी आता है मेरे से पूछता है तो मैं बड़े प्रेम से उनको सिखा देती हूँ और वो कंटिन्यू भी करते हैं हमारी गली में भी काफी लोग करते हैं तो इसी के साथ साथ आप कोई क्लासेस भी लेते हैं ध्यान प्रचार के लिए मैं खुद की तो नहीं लेती लेकिन मैं अपने भाभी मेरे भाभी है नागपुर में वो उनकी साढ़े तीन से साढ़े पांच क्लास होती है ऑस्ट्रेलिया से तो मैं रेगुलर ही करती थी उनके साथ स्वाध्याय और मेडिटेशन भी करवाना यहाँ पर अब थोड़ा कम हो गया अब थोड़ा मैं सोच, ऐसे ही फिजिकली करवाने लग गई हूँ हमारे मंदिर है घर के पास ही शिव मंदिर मंदिर के ऊपर छत है वहां पर मेडिटेशन करवाती तो जैसा कि मैम आपने बताया कि जब आप पत्री जी से मिले तो पत्री जी ने आपको द्वेत से अद्वेत का मार्ग बताया कि जब पूजा है तब वो है और मैं है उसमें अंतर है तो वो जो अंतर दूर होता 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 ध्यान के मार्ग से स्वाध्याय के मार्ग से ध्यान प्रचार के मार्ग से संभव है तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं उसके बारे में यही कहना चाहती हूँ कि जब हमें पता चलता है ना कि दूसरा कोई है ही नहीं मेरे सिवा तो हम इतने शांत हो जाते हैं फिर हमारे सवाल कम हो जाते हैं अगर सवाल आते भी हैं, तो हमें उनके आंसर भी अपने आप मिल जाए मिलने लगते हैं हमारी एक भटकन सी पहले होती थी ना जैसे हम पूजा पाठ करते थे तो भटकते थे यहां मत्था टेक ले मत्था टेक ले ये कर ले इस मंदिर जाए इस गुरुद्वारे जाए भटकन खत्म हो जाती है क्योंकि दूसरा कोई है ही नहीं दूसरा देखना नरक का द्वार सामने वाला मैं ही हूं आप मैं ही हूँ मैं ही रश्मि हूं और आप ही मीनाक्षी हो जब ये भाव आने लगता है ना ये सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है लेकिन कहते हैं ना प्रैक्टिस जब हम इसकी डेली हर पल प्रैक्टिस करते हैं तो ये हमारे जहन में इतना उतर जाता है कि हम इसको जीने लग जाते हैं फिर हमें सामने वाला गोरा काला मोटा पतला लंगड़ा लूला नहीं दिखता अपना आप ही दिखता है चाहे कुत्ता हो बिल्ली हो छोटा सा कॉकरोच हो मक्खी हो कीड़ी हो सभी के लिए एक करुणा भाव दया भाव पैदा हो जाता है तो इससे हमारी लाइफ बड़ी स्मूथ हो जाती है ये पहले बातें मुझे पता थी ध्यान में आने के पहले भी पता थी लेकिन मेडिटेशन में अपने आप के साथ बैठकर ध्यान करके इधर उधर से ध्यान हटा के अब ये धीरे धीरे पक्की होती चली जा रही है पक्की होने के बाद बहुत ज्यादा खुशी आ जाए तो मन इतना खुश नहीं होता बहुत ज्यादा दुख आ जाए तो मन दुखी नहीं होता तो इसे ही कहते हैं आनंदमय जीवन तो आप दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे कि इस स्थिति में आने के लिए हमें कितनी देर ध्यान और कितनी सिंसियरिटी से स्वाध्याय और सज्जन सांगत्य को अपनाना चाहिए जरूर कितनी देर ध्यान का कोई मतलब नहीं जितना भी ध्यान करो आप पांच मिनट करो दस मिनट करो फुल अवेयरनेस के साथ होना चाहिए जैसे कि मुझे याद आ रहा है कि किसी ने बुद्ध भगवान से पूछा था कि मैं कितनी देर ध्यान करूंगा तो मुझे जागृति आ जाएगी तो उन्होंने कहा कि चार घंटे चार घंटे में कितनी देर में आए कितने दिन लगेंगे कहते छह महीने लग जाएंगे या चार महीने लग जाएंगे कहते अच्छा फिर तो मैं आठ घंटे करूंगा तो उन्होंने बोला कि आठ घंटे करोगे तो आपको कभी भी नहीं आएगी क्योंकि आप यहाँ जीवन जीने आए हो खुशी से अपने आप को उदासी में नहीं डालना जबरदस्ती नहीं करना कुछ भी जितना भी करो थोड़ा करो लेकिन पूरी जागृति से पूरी अवेयरनेस के साथ पूरी सच्ची सुच्ची भावना से आपको फिर खुद पता चल जाएगा क्योंकि आपकी बॉडी धीरे धीरे रिलैक्स होने लग जाएगी आपकी नींद अच्छी हो जाएगी आपकी टेंशन भाग जाएगी डिप्रेशन भाग जाएगा क्योंकि आजकल सबसे ज्यादा यही सबको तंग कर रहा है क्योंकि हमारे पास डिवाइसेस बढ़ गए हैं मोबाइल है छुटता नहीं है हाथ से खाना खाते हुए भी और रात को सोने तक तो ये ध्यान इतना अच्छा टूल है कि मैंने दो घंटे बाहर पहले हमने रूम से बाहर रख देना अपना मोबाइल अपने आप के साथ जितना बैठोगे और जितनी शिद्दत से बड़े ये ये नहीं है कि आप अपने आप के साथ बैठे हो और विचारों में खोए हो वो फिर ये चीज काम नहीं करती तो आप दर्शकों को क्या संदेश देना चाहते हैं संदेश यही दूंगी कि ज्यादा से ज्यादा ध्यान करना चाहिए ध्यान तो जैसे हमारे सर ने बताया है कि जितनी हमारी एज है उतने मिनट करना है लेकिन सिर्फ ध्यान करने से ही हमारी जागृति या अवेयरनेस इतनी ज्यादा नहीं आ पाएगी इसके साथ साथ हमें स्वाध्याय भी करना होगा और सज्जन सांगत्य भी हम किन के साथ उठते बैठते हैं किन के साथ बात करते हैं ये भी हमें देखना होगा और साथ साथ अपना भोजन भी सात्विक भोजन रखना होगा यही संदेश दूंगी क्योंकि मैंने बचपन से ही भाव रखा सेवा भाव रखा माला जपी है मंदिर गई हूँ फिर अंत में मुझे जब ये ध्यान मिला है तो मैं एक जगह टिक गई हूँ आराम से मैं अपने आप में ही बैठ गई हूँ अब मुझे जहां मर्जी ले जाके बिठा दो मेरा मन भी लग जाता है और ध्यान भी लग जाता है तो अब ऐसा हो गया है कि अब सब कुछ ओवरलोडेड होने लग गया है कि अब जो मेरे पास है मेरे को लगता है कि मैं सबको दू सीखूं भी और दूं भी और अभी बहुत कुछ सीखना भी बाकी है थैंक यू थैंक यू मीनाक्षी जी आपने अपना अद्भुत आत्मज्ञान हमारे साथ साझा किया और आज आपके इस आत्मज्ञान से हम सब इतने प्रभावित हुए कि हम अपनी आत्मा की प्रगति में आगे अग्रसर हों थैंक यू आपका आज के इस आत्मा की यात्रा में हमें ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू दोस्तों आज हमने जाना कि कैसे भक्ति रस में पूरी तरह अपना जीवन व्यतीत करके हम आत्मा की यात्रा हमारी हमें अंत में ध्यान की तरफ ले ही आती है और ध्यान में आकर यद भाव तद भवती यदि हमारे भाव पूरी तरह से स्वच्छ और प्योर हैं तो हम अपने ही आप सहजता ध्यान की ओर अपनी आत्मा की प्रगति की ओर आगे बढ़ते चले जाते हैं आज हमने मीनाक्षी जी से आत्मज्ञान के ज़रिए ये जाना कि ध्यान के साथ साथ स्वाध्याय सज्जन सांगत्य भी उतना ही जरूरी है ताकि हम अपने जीवन को संतुलन में जी सकें इतने अद्भुत ज्ञान के साथ आज हम सब रूबरू हुए आप सबका आत्मा की यात्रा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद इसी तरह आप सब बने रहें पीएमसी हिंदी के साथ हम फिर मिलेंगे अगली बार आत्मा की यात्रा में एक नए आत्मज्ञानी के साथ उनके जीवन की यात्रा को सुनते हुए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद